चाय, कस्टम डिप, बिस्किट। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? तो एक्चुअली ऐसा हुआ कि कल यहाँ पे रात को लाइट का कुछ तो शॉर्टेज वॉर्टेज हुआ, कुछ तो कहीं वायरिंग में कुछ सीन हुआ, सुबह से लाइट नहीं थी। तो ना फोन चार्ज, ना लैपटॉप चार्ज, कुछ चार्ज नहीं। और गर्मी इतनी हो रही जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो अभी अभी आई है लाइट, तो मैंने कहा चलिए, तो मोबाइल को जल्दी से लगाया मैंने चार्जिंग पे। अपने व्लॉग की एडिटिंग मैंने करी खत्म, तो व्लॉग हो चुका है एडिट। आज वाला व्लॉग अपलोड हो चुका है, वो आएगा 2 बजे हमेशा की तरह। ये वाला व्लॉग कल 2 बजे आएगा जैसे कि आप सब जानते ही हैं। तो बिना देरी करते हुए आज के मजेदार दिन की शुरुआत करते हैं। जो लोग चैनल पे नया है कर दे सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर देना लाइक, और बिना देरी करते हुए चलिए चलते हैं। तो गाइस मैं हूँ चाची के घर पे, और आप लोगों ने मुझसे पूछा था, कहा था, तो चलिए आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ जो बहुत सारे लोगों ने शायद देखी ना हो, देखी हो तो सुनी ना हो, सुनी हो तो एक्सपीरियंस ना की हो। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि बर्तन धोने की ऑटोमेटेड मशीन, जिसकी मुझे काफ़ी लोगों ने DM में रिक्वेस्ट की थी, वो कैसी है, क्या है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। सो गाइज, ये वॉशिंग मशीन जैसे दिखने वाली मशीन एक्चुअली में क्या है, ये आपको चाची बताएंगे। चाची बताइए, खोल के दिखाइए, है क्या? ये डिशवॉशर है, और इसको इस तरीके से हम खोलते हैं, और इसका ये अंदर में 2 पार्ट है। ओके। और ये नीचे वाला पार्ट हम इस तरीके से खोलते हैं, और इसमें हम इस तरीके से, तो बेसिकली हमें इसके जो ग्रूव्स है उसमें फिट करना होता है। इसमें इस तरीके से हम प्लेटें लगाते हैं, इस तरीके से। लेकिन प्लेटों में कोई भी खाना लगा नहीं होना चाहिए। ओके। उसको थोड़ा सा हम क्लीन कर लेते हैं, और तब इसमें इस तरीके से हम लगा देते हैं। और कितनी देर में क्लीन हो जाते हैं, मतलब? जब हम दोनों बकेट को फुल्ली भर देते हैं बर्तनों से, तो ये 2 आवर्स में हो जाता है, ड्राई होके आते हैं, ड्राई होके एकदम बहुत एकदम से हमारे बर्तन शाइनिंग वाले इस तरीके से शाइन होता है। हाँ, ये अभी 10 मिनट पहले ही धुले भी हैं, इसमें आप देख पा रहे हो जैसे ड्राई है, क्लीन है, इट्स परफेक्ट, और शाइन भी कर रहा है। नाइस। तो इस चीज की रिक्वेस्ट आई थी मुझे, तो गाइस देख लीजिए, ये है ऑटोमेटेड डिशवॉशर। स्पून्स लगाते हैं यहाँ पे, नाइस। और ये जो ऊपर वाला है, हाँ, इसमें इसमें हम इस तरीके से ग्लास को, अच्छा, ओके, वो ग्लास फिटिंग एरिया है। हाँ, ग्लास फिटिंग एरिया है। और इधर की साइड हम ये अपनी कटोरियां, तो इस तरफ हम कटोरियां फिक्स करते हैं। और इसमें हम क्या लगाते हैं? इसमें जो हमारे इस तरह के जो बड़े वाले स्पून्स होते हैं, अच्छा, ऐसे रख देते हैं। नाइस। तो बेसिकली इसमें ग्लास, कटोरी, चम्मच, प्लेट, थाली सब धुल जाता है। ये सोप, इसका वो है सोप। अच्छा, ये सोप है, ये कितने रुपए का आता है? ये नहीं पता, ये नहीं पता, पता पूरा, पूरा मैंने बॉक्स, अच्छा, बॉक्स आता है। ओके। और इसे रखते कहाँ पे? 120, I think 150 अराउंड थी, इस तरह की।
और ये पूरी एक जो है पूरा दोनों उसमें बकेट में हम फुल कर देते हैं, उसके लिए एक सफिशिएंट है। ओके है ना, तो यहाँ पर हम लगाते हैं यहाँ पर इस तरीके से इस तरीके से हम लगाते हैं, ये अंदर चली जाती है और इसको हम इस तरीके से बंद करते हैं। नाइस, और बस फिर बंद कर देना और टाइमर ऑन कर देना, और ये बंद करके और हम फिर इसे इस तरीके से बंद करते हैं और यहाँ से हम ऑन कर देते हैं। ओके, स्टार्ट हो गया। हाँ, आपका हाफ बकेट है तो आप इस पर रखते हैं। अच्छा, ओके, हाफ बकेट भी आप लगा सकते हैं। ओके, तो ये हाफ का सिंबल है और इसको आप डबल क्लिक कर देंगे तो ये आपका डबल पर क्लिक हो गया। ओके, और जैसे अभी आपका सो वॉश रिंस ड्राई एंड क्लीन। नाइस, सो गाइस देखो आपकी मछलियां गोल्डी 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 कालू, हालांकि मुझे इनमें से एक का भी नाम नहीं पता, मैंने अभी भी रखा है, नहीं लगती बड़ी प्यारी ऐसे। सो गाइज क्या आप गैस करके बता सकते हो ये क्या है? अगर आप गैस नहीं कर पा रहे हो तो ये पंखा है, सीलिंग फैन, बड़ा प्यारा लगता है ये। डोरिटोस, चाय, कस्टम डिप, बिस्किट, बहुत टेस्टी है। सो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 7:30 और मम्मा ने बनाई है शिकंजी। चलिए मैं शिकंजी एंजॉय करता हूँ। अगर आपने ब्लॉग यहाँ तक देखा है और आप ब्लॉग एंजॉय करें तो वीडियो को लाइक तो करना ही करना है, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक मैं शिकंजी एंजॉय करता हूँ। तो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हो अन्ना यहाँ बैठी हुई है, सैटरडे की शाम है लेकिन डैडी की चल रही मीटिंग, जैसे कि आप सामने देख पा रहे हो। अब हम क्या करें, हम तो बोर हो रहे हैं उनकी चल रही मीटिंग, तो मैं और मम्मा हम दोनों तो जा रहे हैं अब। अरे कितना गंदा लग रहा है यार, शीशे इतना गंदा है नहीं जितना लग रहा है। तो मैं और मम्मा जो है बाहर जा रहे हैं, पहले शायद चाट वाट खाने का मन है, तो चलिए चलते हैं। तो गाइस ये है सिनेपोलिस वन आवर सेंटर, या सिनेपोलिस मॉल कॉमनली बुलाते हैं, और ये रहा दीक्षित चाट हाउस। तो चलिए चलते हैं और गोलगप्पे खाते हैं। हवा चल रही है, मीठा वाला है ना भैया? नाइस, कैसे रहे गोलगप्पे? तो गाइज मैंने और मम्मा ने खा लिए गोलगप्पे, उनकी चाट भी बहुत अच्छी है, लेकिन गोलगप्पे आर दी बेस्ट इन गोमती नगर। और ये कोई स्पॉन्सर्ड वो नहीं है कि मैं ज़बरदस्ती किसी की तारीफ करूं, जेन्युइनली अगर आपको गोमती नगर में बेस्ट गोलगप्पे खाने हैं तो आप दीक्षित चाट हाउस जाओ। सो गाइज ये अपना शीजवान मेयोनीज डिप तैयार, ये अपने डोरिटोज, वहाँ बन रही है अपनी मैगी। तो बिना देरी करते हैं चलिए डिनर करते हैं। सो गाइज मैगी, डोरिटो, ये अपना चीज़ी मेयोनीज़ी डिप, टूट गया मेरा डोरिटो, नलायक डोरिटो, ये रहा। मजा आ गया भाई, मजा।